हे गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ अभी से स्टार्ट, और आप देख रहे हैं इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल को। तो गाइस, कल रात को तो बहुत टायर्ड हो गई थी तो मैं सो गई, और सच में मैं ये मेरे इस बेड पे आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं बस एकदम रिलैक्स, कब सोऊँ और कब नहीं। अभी भी मैं देखती हूँ ना, ऐसा लगता है शाम को मैं कब आऊँ यहाँ पे और कब नहीं। तो कल का व्लॉग मैं आज पब्लिश कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी गाइस। और आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आज से इस व्लॉग में नया नया कुछ करूँगी। और पता है आज क्या है? आज प्ले स्कूल में नया एडमिशन हुआ है, मेरे प्ले स्कूल में नया एडमिशन हुआ है। तो एक नई बच्चू आने वाली है और बहुत उधम मचाने वाली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब बच्चे आते हैं ना तो बहुत रोते हैं। तो थोड़ा सा पर मैं आज के दिन उसको सिर्फ 15 मिनट्स रखूँगी, और 15 मिनट्स के बाद उसे छोड़ दूँगी, ताकि वो यूज़ टू हो जाए कि मम्मी पापा छोड़ के जाते हैं और लेने को भी आते हैं, नहीं तो बच्चे डर जाते हैं ना। तो उस 15 मिनट्स में मैं टॉयज़ दिखाऊँगी उनको, थोड़े से नए नए टॉयज़ देखेंगे और चॉकलेट वगैरह खाएंगे तो बस एडजस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद अपना पार्लर तो है ही, आज शायद पार्लर के कोर्स के लिए भी नई लड़की आने वाली है, देखते हैं आती है या नहीं आती है, होप आ जाए बस। और गाइस, बस सुबह की भागम भाग, आज मैंने खाने में वो पत्ते के भजिए बनाए हैं, आलू वड़ी बोलते हैं मराठी में, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले आपको दिखा चुकी हूँ, तो आज मैंने उसकी रेसिपी नहीं बताई है। तो चलिए आज आगे आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। और गाइज, इसके आप आज मैं जो व्लॉग पब्लिश करने वाली हूँ वो आप ज़रूर से देखिएगा, और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स भी कीजिए। और मैं और हमेशा ना बोलना भूल जाती हूँ लास्ट में कि लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, तो आज मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ आपसे कि आप मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिए। और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे उनको वेलकम, और जो नहीं आए हैं वो भी आ जाइए जल्दी जल्दी, प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए गाइस, निकलते हैं पार्लर पे और आगे आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट ब्लॉग में ना गाइस, मैंने मशरूम कट हेयर कटिंग दिखाया है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मशरूम कट हेयर कटिंग सीखना है क्या। मैंने सिर्फ करके दिखाया है, मतलब सिखाया नहीं है, पर सिर्फ दिखाया है कि पहले बाल कैसे थे और उसके बाद मशरूम कट काटने के बाद बेबी के, छोटी बेबी जो 4 साल की थी उसके बाल कैसे लग रहे थे। बहुत सुंदर लगते हैं मशरूम कट छोटे बच्चे लोग को, एकदम चाइनीज जैसे लगते हैं वो लोग। तो गाइस, अगर आपको सीखना है तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट्स करके बोलना कि आपको मशरूम कट बाल सीखने हैं कि नहीं सीखने हैं। तो मैं जो भी इंटरेस्टेड है मुझे ज़रूर से बताइए, मैं बताऊंगी आपको। और इजी मेथड से आप अपने बच्चों के घर पे भी हेयर कट कर सकते हैं, आपको सैलून में पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे मेरे सारे व्लॉग में इसी तरह से सब ब्यूटी का ट्रीटमेंट रहता है, कुछ 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 नया नया मैं लेके आती रहती हूँ। तो चलिए गाइस, अब निकलते हैं पार्लर पे और आगे का व्लॉग में वहीं से कंटिन्यू करूंगी। ओके okay? आज मैंने एक बड़ा काम किया कि मैंने अपनी स्कूटी को वॉश किया। बहुत दिन से सोच रही थी वॉश करूंगी वॉश करूंगी, अभी भी प्रॉपर वॉश नहीं हुई है, पर फिर भी मैंने वॉश कर दी। सग्यानी हशा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे टिफिन खा रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सब लोग टिफिन खा रहे हैं। और एक बच्चा क्यों रो रहा है, एक बच्चा क्यों रो रहा है? हाय बोलो, हाय हाय। आज है दूसरा दिन, और पता नहीं कल मैंने व्लॉग मेरा क्यों नहीं कंटिन्यू किया, समझ में ही नहीं आया मुझे। तो आज उसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल क्या हुआ, कल ना प्ले स्कूल में नई बच्ची आ गई थी,
तो उसका थोड़ा सा मतलब अगले दिन एडमिशन हुआ था तो मुझे थोड़ा टेंशन था रोएगी, पर वो बिल्कुल भी नहीं रोई और अच्छे से बैठी। तो उस टेंशन में थी मैं, मैंने मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट तो किया लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई। और फिर बाद में ब्यूटिशियन कोर्स के लिए भी नई लड़की आई थी तो थोड़ा सा उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, थोड़ा पहले दूसरे दिन ज़रा प्रॉपरली उनको गाइड करना पड़ता है, उसके बाद वो दूसरे सीनियर स्टूडेंट रहते हैं ना वो उनको सिखाते रहते हैं। तो इसी तरह से मेरा कल का दिन चला गया। और शाम को थोड़ा सा मैं शूट करने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ क्लाइंट की। ये मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये बालकनी में जो झूला रखा है उसके ऊपर मैंने सीजन के ऐसे ऑनियन मिलते हैं वो लटका दिए थे। तो ये सारे कबूतर लोग ना रोज एक एक लूम को तोड़ के सारा उसकी रस्सियां निकाल रहे हैं उनके घर बनाने के लिए। तो अब मुझे ये सब हटाना पड़ेगा। तो देखिए रोज 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 ऑनियन की वाट लगा दी है मैंने इस तरह से, ऐसे इधर भी लगाया था इधर भी लगा दिया था ताकि हवा में वो ऑनियन पूरा साल टिक जाते हैं, वाइट कलर के ऑनियन ऑनियन जो सीजन में मिलते हैं। पर ये रोज रोज एक 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 लूम कबूतर लोग खोल रहे हैं पूरी तरह। तो गाइज ये पूरा अरेंजमेंट करना है, एक दिन आराम से घर पे रहूंगी, तभी घर पे रहने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। कब मैं घर पे रहूं, मैं एक भी दिन हॉलीडे नहीं करती हूँ। और मॉर्निंग के 2 आवर्स का टाइम मिलता है मुझे तो वो 2 आवर्स में तो मैं खाना बनाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ और बर्तन घसती हूँ और फिर रेडी होके पार्लर पे जाने का रहता है। तो बस उस बीच में इन कबूतरों की तो मजा पड़ गई है, उनको ये सब ना घर बनाने के लिए रस्सी डंडियाँ ये सब ला लेते हैं। तो ये रस्सी रस्सी उनको कहीं मिल नहीं रही है तो ये मेरे कांधे के पीछे ही पड़े हैं। तो चलिएगा इस पार्लर के लिए निकलते हैं और इस आगे का व्लॉग मैं अब आज जरूर से कंटिन्यू करूंगी और आपके लिए पब्लिश जरूर से करूंगी। गॉड बाहर इतनी गर्मी है गाइस, आपको मैं क्या बताऊं, कल 34 डिग्री गर्मी थी, आज भी आज पता नहीं आज तो उससे भी ज्यादा हो रही है। ऐसा लगता है कि रूम से बाहर निकलो ही मत, 2 मिनट बालकनी में गई तो इतना गर्म हो गया कि पूछो मत। और आपके यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है क्या, मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए कि आप लोग के यहाँ कहाँ कितनी गर्मी पड़ रही है, कितना डिग्री है। मैं मुंबई में रहती हूँ और आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। तो यहाँ पे तो 4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब एक दिन 32 था, एक दिन 33 हुआ और 33 2-3 दिन कंटिन्यू रहा, कल 34 हो गया था। माई गॉड, और बिल्कुल हम बॉम्बे वालों को इतनी गर्मी बैर नहीं होती है क्योंकि इतनी आदत नहीं है ना, वो साइड तो लखनऊ साइड और दिल्ली साइड तो पड़ती है इतनी गर्मी, तो उनको चल जाता, उतनी ठंडी भी पड़ती है वहाँ पे। पर यहाँ पे वेदर एकदम नॉर्मल रहता है, ना गर्मी रहती है ना ठंडी ज़्यादा रहती है। तो हाँ, पर बारिश बहुत पड़ती है मुंबई में, पर इस साल बारिश भी कम पड़ी है। तो गाइस चलिए मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए। बालों को ओपन तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, मैंने इस तरह से बालों का पोनी बना लिया है क्योंकि अगर मैं ओपन छोड़ूंगी तो गर्मी के मारे मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो फाइनली मैं अब निकल रही हूँ, निकलते निकलते मुझे आधा घंटा हो गया है पार्लर के लिए, निकल रही हूँ निकल रही हूँ। और इसी तरह से मैं रोज लेट हो जाती हूँ, रोज लेट हो जाती हूँ। आज मैंने खाने के लिए ना फ्रेंड्स वटाने की सब्जी बनाई है, भिगाया हुआ वटाना। और पार्लर पे जाके मैं पाव ले लूँगी मैंने, और उसको बटर में फ्राई करके जैसे पाव भाजी जैसा रहता है, पर पाव भाजी नहीं बनाई हूँ, पर पूरा पाव भाजी की तरह ही वटाने की सब्जी बनाई हूँ। टमाटर ऑनियन सब डाला है, सिर्फ आलू छोड़ दिया है, आलू स्किप किया है मैंने। और जैसे उसल बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, तो वटाने की उसल बनाई है मैंने खाने के लिए। तो अभी मुझे वो टिफिन पैक करना है नीचे जाके, क्योंकि वो ना ये नहीं हो रहे थे, चुड़ नहीं रहे थे, तो वापस से मैंने कुकर की सीटी ले ली है। तो गाइज अभी टिफिन पैक करती हूँ और पार्लर पे जाके पाव ले लूंगी और फिर पाव के साथ
मेरा लंच हो जाएगा। मतलब आज कुछ काम कम था तो मैंने सोचा चलो, मम्मी ने भी बोला मुझे कि अपन इस तरह से खाएंगे कल, तो मेरे लिए तो इजी हो गया, रोटी बनानी नहीं पड़ी। मैं पहुंच गई हूँ पार्लर पे, पर मटाने की सब्जी ने तो मचाई हाय तौबा। मेरा कुकर की सीटी इतनी सारी ली पर फिर भी वो मटाने की सब्जी चूर नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया, कुकर का कुकर ही पूरा पार्लर पे लेके आ गई हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँ मेरा पैर कितना जल गया। डिज़ाइन जो फर्स्ट स्टेप है वो दिखा रही हूँ, इस तरह से पहले मैं ड्रॉ करके देती हूँ, फिर वो इस तरह से नीचे प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली मैं आज बैंक हॉलीडे है तो मैं छुट्टी देती हूँ, पर आज मैंने क्लासेस चालू रखे हैं। तो गाइस अभी मैं घर पे आई हूँ और रात के 10:15 बजे हैं, जय बस अभी आते ही होंगे। और बाल बांध बांध के मेरा सर चकरा गया है, तो बस जय अब आते ही होंगे। और मैं बनाने जा रही हूँ अच्छी मसाले वाली खिचड़ी, क्योंकि जय मैं क्या करती थी, खाना अच्छे से बनाती थी, जय आने वाले करके खाना अच्छे से बनाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही बनाती थी, ये भी बना लूँ वो भी बना लूँ, पापड़ भी तल लेती थी, सब कर लेती थी। पर जय तो पहले ही, जय रहते हैं गुजरात में, आते वक्त आते हैं तो वड़ा पाव, तो वो साइड तो वड़ा पाव मिलता नहीं है, तो उनको वड़ा पाव बहुत पसंद है और बस आते वक्त वड़ा पाव खा लेते हैं ट्रेन में, और फिर खाना बहुत कम खाते हैं, तो ऑलवेज मेरा खाना ना बिगड़ता था, फिर वही रात का खाना हमें दूसरे दिन सुबह खाना पड़ता था। तो इसलिए मैंने आज सोचा अब रात को मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाऊंगी, और क्योंकि अब मैं कितनी बार पूछूं आपको कितनी भूखे कैसे मालूम पड़ेगा, मैं अपना अपने हिसाब से खाना बना लेती थी, पर वो फिर पहले ही पेट भरा हुआ रहता है तो कैसे खाएंगे। तो इसलिए मैं अब थोड़ी मसाले वाली खिचड़ी नहीं बनाती, मैं मसाला वाला पुलाव बना लेती हूँ अच्छे से, तो गरम गरम वो अच्छा भी लगेगा। तो गाइस चलिए मैं पुलाव की तैयारी कर लेती हूँ। आधा वटाना छीला हुआ है, आधा वटाना छीलने का है मुझे अब। कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जय को बहुत काम है, सुबह बैंक के काम निपटाना करने पड़ेंगे और फिर बैंड्रा भी जाना है उनको, तो मेरे काम भी मैं थोड़े से पकड़ा दूंगी उनको तो मेरे काम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे गाइस मॉर्निंग से लेकर रात तक पार्लर पे मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरे साइड के सब काम ना ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे अब ओ शेट, देखो मुझे क्लाइंट ने शैम्पू मंगाया था, मैं आज भी लेना भूल गई, कल तो मुझे मॉर्निंग में जाते जाते लेना ही पड़ेगा। उसका स्ट्रेटनिंग किया था तो स्ट्रेटनिंग वाला शैम्पू मुझे उसने ऑर्डर किया है तो वो लेके जाना पड़ेगा। 2 दिन से मैं रोज भूल जा रही हूँ, मॉर्निंग में लूँगी इवनिंग में लूँगी, दोनों टाइम अब भी मुझे याद आ रहा है मुझे सुबह के लिए काम नहीं रखना था, मेरे सुबह बहुत सारे काम हैं। अब मुझे सुबह मैं निकलते मुझे याद था कि मुझे शैम्पू लेना है और मैं भूल ही गई। ठीक है चलिए कोई ना, सुबह जल्दी काम कर लूँगी और जल्दी निकलूँगी। जय रहते हैं तो थोड़ा बहुत बातें करने में टाइम चला जाता है, तो सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलेगा जल्दी निकलने को, फिर भी कल ट्राई करूँगी जल्दी उठ के जल्दी काम निपटारा करके जल्दी निकलने की ट्राई करूँगी। बस चलिए मैं अब बटाने छील लेती हूँ बनाना तो पड़ेगा ही, थोड़ा बनाओ या ज़्यादा बनाओ। थोड़ा वटाना छील ही लेती हूँ तो पुलाव अच्छा बन जाएगा, और लकीली मैंने सुबह ना मूंग की दाल भिगा दी थी
तो मूंग की दाल के भजिए बन जाएंगे तो मेरा तो फेवरेट खाना हो जाएगा। तो कुकर की सीटी बज रही है, और गाइस मैंने तो सैलेड में डाला है नमक, जीरा और चाट मसाला। आप क्या डालना पसंद करते हैं मुझे बताइएगा, कुछ नया हो तो मैं भी वो डाल के खाना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मेरी कुकर की सीटी बज रही है और मेरा पुलाव रेडी हो गया है और सैलेड भी रेडी हो गया है। और बज गए रात के 11:15। तो चलिए जल्दी से अब जय नीचे आए तो फटाफट खाना खा लेते हम। तो गाइस अभी मैंने खाना खा लिया है और मैं अब मेरा लिपस्टिक वगैरह रिमूव करूँगी थोड़ा। और लाइट चली गई है, पता नहीं लाइट कितने बजे आती है कैसे आती है, यहाँ तो बार बार लाइट जाती ही आती है, परेशान हो गए। और रात को अगर घर आओ और फिर लाइट ना हो ना तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिए। एंड गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।